हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आपके लिए लेकर आया हूँ एक आखिरी वीडियो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, जो डील करेगी सेक्शन 69 के साथ। जो 69 है सेक्शन, वो इस चीज़ की बात करता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म है वो अभी तक रजिस्टर नहीं करी गई है तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। जैसे हमने पूरा एक्ट पढ़ लिया, कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं आया कि कहीं पे आपका ये लिखा हो कि कोई चीज़ की, कोई भी पर्टिकुलर जो आपके पार्टनरशिप फर्म होगी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ऐसा कोई भी प्रोविजन अब तक हमने नहीं पढ़ा। इस सेक्शन के अंदर क्या बोल रहा है कि एक तरीके से जो पूरा पार्टनरशिप फर्म, जो आपका पार्टनर एक्ट है ना, वो एक्ट क्या कर रहा है कि किसी भी पार्टनर्स को फ्री छोड़ रहा है उनके ऑप्शन पे कि अपनी पार्टनरशिप को वो रजिस्टर करवाना चाहे तो रजिस्टर करवा सकते हैं, इन केस नहीं चाहते तो वो रजिस्टर ना भी करवाए। लेकिन इन केस अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, वो सेक्शन 69 के अंदर बता रखी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन 69 के अंदर हेडिंग आपकी बता रही है इफेक्ट ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन। इन केस अगर कोई भी पार्टनर, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म थी उसको अपने रजिस्टर नहीं करवाया तो उसके क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, वो क्या क्या प्रभाव छोड़ेगी, वो इस सेक्शन में बता रखा है। फर्स्ट क्लोज आपका बात कर रहे हैं, नो शूट टू एनफोर्स ए राइट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्टैक्ट। मतलब नो शूट को आप ए शूट की तरह पढ़ोगे, ए शूट टू एनफोर्स ए राइट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि एक अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म को आपने क्रिएट करना है, उसके लिए आपकी कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत जरूरी है। मेन चीज़ आपकी थी कॉन्ट्रैक्ट का होना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी भी पर्सन का जो भी आपका राइट अराइज होगा ना, उसको एनफोर्स करने के लिए वो पार्टनर अपनी फर्म के खिलाफ केस फाइल नहीं कर पाएगा। ये आपका फर्स्ट क्लोज है, पढ़ते हैं। नो शूट टू एनफोर्स ए राइट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट और कन्फर्ड बाई दिस एक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड। नो शूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड टू एनफोर्स हिज राइट विच हैव बीन अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अब यूँ बोलता है, इन एनी कोर्ट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन शूइंग एज ए पार्टनर। शूइंग एज ए पार्टनर को अंडरलाइन कर लो कि कोई भी पर्सन जो एज ए पार्टनर उस अपनी फर्म के खिलाफ केस फाइल करना चाह रहा है तो वो केस फाइल नहीं कर पाएगा। किस लिए? कि अपने जो भी राइट्स थे उनके साथ, जो पर्सन मतलब एज ए पार्टनर उसने अपनी फर्म के साथ कॉन्टैक्ट करके अपने राइट को अराइज कर लिया था, वो राइट्स आप एनफोर्स करने के लिए अपनी फर्म के खिलाफ केस फाइल नहीं कर पाओगे किसी भी कोर्ट के अंदर। अगेंस्ट द फर्म और एनी पर्सन एलेज्ड टू बी और टू हैव बीन ए पार्टनर इन द फर्म अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड। जब तक वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक उसके खिलाफ आप अपने राइट्स को एनफोर्स करने के लिए केस फाइल नहीं कर पाओगे। एंड द पर्सन शोइंग इज और हैज बीन शोन इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म एज ए पार्टनर इन द फर्म। अब यहाँ पे यूँ बोलता है कि कोई भी पर्सन जो एज ए पार्टनर केस फाइल करना चाह रहा है ना, तो उसको शो करना पड़ेगा किसके अंदर, कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर लगाया है, मेंटेन किया होता है ना, जो रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो जितनी भी डिटेल है उसके अंदर आप लिखवाते हो, उसके अंदर आपका नाम जो एज ए पार्टनर उसका शो होना चाहिए। अगर इन केस वो शो नहीं हो रहा है तो भी उसको आप पार्टनर नहीं मानोगे और वो उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर पाएगा। अब यहां पे बोलता है कि कोई भी पार्टनर है एट द टाइम ऑफ द शूट, शूट के टाइम पे कोई भी पार्टनर अपनी फर्म के खिलाफ केस फाइल नहीं कर पाएगा इन केस अगर वो फर्म आपकी रजिस्टर नहीं है तो। सेकंड क्लॉज आपका बात कर रहा है, नो शूट टू एनफोर्स राइट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट। सेम चीज है कि कोई भी पार्टनर, पिछले फर्स्ट क्लोज के अंदर क्या था कि कोई भी पार्टनर जो होगा वो केस फाइल नहीं कर पाएगा, सेकंड क्लोज क्या बात कर रहे हैं कि किसी भी फर्म के रिगार्डिंग बता रहा है कि कोई भी फर्म अगर वो रजिस्टर नहीं है तो वो किसी थर्ड पर्सन के खिलाफ केस फाइल नहीं कर पाएगी, इसके बारे में बात कर रही है सेकंड क्लोज। बोलता है, नो शूट टू एनफोर्स ए राइट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को अंडरलाइन कर लो कि थर्ड पार्टी के खिलाफ भी वो शूट फाइल नहीं कर पाएगी इन केस अगर वो आपकी रजिस्टर्ड फर्म नहीं है तो। Unless the firm is registered and the person showing are or have been shown in the register of the firm as a partner in the firm। Normal सी चीज़ है कि किसी भी केस के अंदर कोई भी पार्टनर फर्स्ट क्लोज के अंदर कि वो केस फाइल नहीं करेगा अपनी फर्म के खिलाफ, और दूसरे बोलता है कि जो फर्म है ना वो केस फाइल नहीं कर पाएगी किसी थर्ड पर्सन के खिलाफ। अब अगर देखा जाए इम्प्लाइडली तो क्या जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी, क्या वो फर्म के खिलाफ केस फाइल कर देगी? उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगी क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, उसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो मतलब जो पार्टनर्स थे उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था उनकी रजिस्ट्री थी कि नहीं थी, इस बात का इसको नॉलेज हो बेशक ना हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो थर्ड पर्सन है ना उसका एंटाइटलमेंट हमेशा एज इट इज़ राइट रहेगा कि वो फर्म को शू कर सकता है, लेकिन जो फर्म है वो शू नहीं कर पाएगी थर्ड पार्टी को। थर्ड क्लोज के अंदर बोलता है, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 एंड द 2 शैल एप्लीकेबल टू द क्लेम ऑफ सेट ऑफ और अदर प्रोसीडिंग टू एनफोर्स ए राइट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी भी पर्सन का सेट ऑफ का जो भी राइट होगा ना उसके ऊपर भी एज इट इज आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड जो क्लोज है जिसके अंदर जो जो प्रोविजन बता रखे तो वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाने हैं। ये आपकी थर्ड क्लोज की फर्स्ट पैरा की बात हो रही है। अब अगर इसके अंदर देखा जाए थर्ड क्लोज के अंदर तो कुछ एक्सेप्शन केसेस की बात हो रही है कि कहाँ पे ये चीज़ें आपकी ज़रूरी नहीं है, कि मतलब बिना रजिस्ट्रेशन करवाए भी आप केस फाइल करने के लिए इंटाइटलमेंट हो जानी है, उसके रिगार्डिंग बता रहा है।
थर्ड क्लोज के अंदर सेकंड पैरा में बोलता है टू एनफोर्स राइट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट बट शैल नॉट अफेक्ट, मतलब ऊपर वाली चीज़ें जो फर्स्ट और सेकंड क्लोज है वो आपका अफेक्ट नहीं करेगा इन केसेस में। आपका क्या कर रहा है, फर्स्ट आपका बोलता है द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट टू शू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। अब अगर कोई भी पर्सन है जो केस फाइल करना चाह रहा है, कोई पार्टनर है, वो अपने राइट को, राइट उसका कौन सा कि अपनी फर्म को डिसॉल्व करने का जो राइट है उसको एनफोर्स करने के लिए, और फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ ए डिसॉल्व फर्म, फर्म जब भी आपके डिसॉल्व हो चुकी तो उसके जितने भी अकाउंट्स होंगे, जो भी उसके एसेट्स वगैरह बचेंगे, उसके सेटलमेंट के रिगार्डिंग जो सेक्शन 48 के अंदर उसके मोड बता रखे हैं उसकी बात हो रही है, और एनी राइट और पावर टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ ए डिसॉल्व फर्म, किसी भी डिसॉल्व फर्म की जो भी प्रॉपर्टी बचेगी उसको आपने बंटवारे के पर्पज से आप केस फाइल कर सकते हो। यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो तीन पॉइंट इसके अंदर बता रखे हैं टोटल, इसके अंदर तीन टोटल ग्राउंड दे दिए कि आप उसकी एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहे हो कि जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, केस फाइल डायरेक्टली कर सकते हो। तो क्या बात कर रहा था, ए पॉइंट आपका बोलता है द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट टू शो फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी एक पार्टनर है वो आपका केस फाइल करना चाह रहा है किसके लिए, फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ द डिसॉल्व फर्म, फर्म जब डिसॉल्व हो चुकी तो उसके जितने भी अकाउंट्स बचेंगे, जितने उसके एसेट्स हैं, उसके बंटवारे के पर्पज से केस फाइल कर सकते हैं, और एनी राइट और पावर टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ ए डिसॉल्व फर्म, डिसॉल्व फर्म की जो भी आपके एसेट्स होंगे उनको रियलाइज करना, मतलब उनके बंटवारे के पर्पज से वो केस फाइल कर सकते हैं। सेकेंड आपका बोलता है द पावर्स ऑफ द ऑफिशियल असाइनी रिसीवर और द कोर्ट अंडर द प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 एंड द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1922 रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर, कोई भी इंसॉल्वेंट पार्टनर के रिगार्डिंग जो भी आपकी केस चलती होगी ना उस केसेस के अंदर भी उनके राइट को आप एनफोर्स कर सकते हो विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है उन केसेस में भी। फोर्थ आपका फिर से एक्सेप्शन की बात करेगा कि कहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, फर्स्ट आपका बोलता है टू द फर्म और टू द पार्टनर इन द फर्म विच हैव नो प्लेसेस ऑफ द बिजनेस इन, अब नॉर्मल ना इसके अंदर सीधी सी बात आ रखी है कि कोई भी फर्म ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे, या फिर ऐसी किसी जगह पे बिजनेस कर रही है जहाँ पे आपका एक्ट जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, उस केस की बात हो रही है, तो क्या करेगा, या फिर 56 के अंदर स्टेट ने ना एक नोटिफाई करके बता दिया कि यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसके बाद ये एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा उस केस के अंदर, तो क्या होगा कि विदाउट रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन 69 तो एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, क्योंकि स्टेट ने वहाँ पे नोटिफाई करके बता दिया कि इस एरिया के अंदर ये एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं हो रहा है उस केस के अंदर। और लास्ट आपका बोलता है कि जहाँ पे आपकी 100 रुपीज़ से कम की कोई भी वैल्यू की प्रॉपर्टी होगी ना, तो उस केस में भी आपकी क्या होगा कि फर्म की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ये आपका सेक्शन 69 था जो आपकी बेयर लैंग्वेज की बात कर रहा है, इसके अंदर कुछ केस लॉज हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करके और कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि कौन से पार्ट के अंदर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, या फिर अगर सही लग रही है तो आप इसको शेयर करा करो, और शेयर करते हो तो मेरे को भी थोड़ी एनकरेजमेंट मिलती है कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेके आऊँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे राजस्थान रेंट कंट्रोल।